अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम रेफरेंस टैब कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रेफरेंस टैब जो किया था वो साइटेशन का किया था। आज हम इंसर्ट कैप्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम बुक में देखते हैं कि वहाँ पे पिक्चर्स ऐड की होती हैं, पिक्चर्स के नीचे लिखा होता है कि फिगर 1.1, फिगर 1.2, इस तरह से यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स ऐड करेंगे। यहाँ पर ये बनाया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो इंसर्ट पर जाएँगे, इंसर्ट पर जैसे हम पिक्चर्स ऐड करते थे, ये आपको बताया था पिक्चर से मैं जैसे यही एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। जब आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है, ये मेरी पिक्चर ऐड हो गई है, इसको रीसाइज करना है, तो सेम उसी तरह से जैसे हम रीसाइज करते थे, तो मैं यहाँ से इसको रीसाइज कर लेता हूँ। मेरी पिक्चर आ गई रीसाइज हो गई। और रीसाइज करना चाहते हैं तो इसको और मज़ीद रीसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। जो आप पिक्चर जब आपने ऐड की, पिक्चर ऐड करने के बाद आपने रेफरेंस में जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे आप। इंसर्ट कैप्शन पे यहाँ पे क्या देंगे, इसको नाम फिगर देना है या क्या देना है। यहाँ से आप लेबल इसका चेंज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, फिगर दे सकते हैं। मैं फिगर दे सकता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ हो वो पोजीशन क्या है, वाव सिलेक्टेड आइटम या इस पिक्चर के वाव आए या बिलो आए, मैं कहता हूँ बिलो ही आए इस पिक्चर के। तो यहाँ पे अब फिगर 1 आ जाएगा इसका, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फिगर 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने एक और पिक्चर यहाँ पे कहीं भी ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं यहीं पे एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। फिर सेम इसी तरह से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट से हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और कौन सी ये पिक्चर मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसको रीसाइज करना है, इसको भी आप उसी तरह से रीसाइज करेंगे जैसे हम रीसाइज करते हैं। तो ये मैंने इसको रीसाइज किया और मज़ीद रीसाइज करता हूँ मैं इसको, साइज़ कम करते हैं। ये पिक्चर है, अब इसको भी सेम इसी तरह से आपने रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन, और अब इसका ऑटोमेटिकली फिगर 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो इसका फिगर 2 आ गया। अब जितने भी पिक्चर्स आपने ऐड करनी है सेम इसी तरह से ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अगर आप इनका भी टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहते हैं तो आप टेबल ऑफ फिगर बना सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था, मैं यहाँ पे इसका टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जहाँ पे इसका बनाना है। बनाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद उसका ये प्रिंट प्रीव्यू किस तरह का आएगा, प्रीव्यू आए या प्रिंट प्रीव्यू कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ये टैब लीडर का यूज़ करना चाहते हैं, डॉट डॉट यूज़ करना चाहते हैं, या ये लाइन यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये टेबल ऑफ फिगर्स भी ऐड हो जाएगा। ये इस पेज पर इसने टेबल ऑफ फिगर ऐड कर दिया। ये फिगर 1 है, ये पेज नंबर 5 पे है, और फिगर 2 है पेज नंबर 7 पे है। इस पर आप जाना चाहते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ये छोड़ दिया था कि अगर आप इसको आप देखने फिगर 2 देखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आप फौरी तौर पर फिगर 2 तक पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको फिगर 2 पर ले जाएगा। इसी तरह से अपने कोई चैप्टर रीड करना चाहते हैं आप, जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट है, मैं चाहता हूँ ये फिजिक्स वाला चैप्टर रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और इस फिजिक्स पे क्लिक करूँगा, तो मैं फिजिक्स वाले चैप्टर पे चला जाऊँगा, मेरे सामने वही चैप्टर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन आ रहा है। मार्क एंट्री में यह है कि आप कुछ वर्ड मार्क कर लेते हैं, कि कोई भी वर्ड आए, जैसे ये लफ्ज़ थीम है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं मार्क एंट्री पर क्लिक करूँगा, मार्क एंट्री पर ये थीम लफ्ज़ मार्क कर लूँगा, इसको मार्क कर लिया है। इसी तरह से और को जो भी लफ्ज़ मार्क करने हैं, ये जो वही साइन आ रहा है, ये आपका एंटर का और स्पेस का साइन था, तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वही जो आपको जैसे मैंने आपको होम में बताया था कि होम में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से कोई और वर्ड आप मार्क करना चाहते हैं, यहाँ से मैं इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ से मार्क एंट्री कर देते हैं और इसको मार्क कर देंगे, ये भी मेरा वर्ड मार्क हो गया है। आप इसका आप इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं, कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ टॉप पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब इसको ये जो साइन ख़त्म करना है, सेम उसी तरह से होम पे जाएं, इस पर दोबारा से क्लिक कर दें, आपका ये साइन भी ख़त्म हो जाएगा। अब आएंगे हम इंसर्ट पे आते हैं और रेफरेंस में आते हैं, इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, किस तरह से ऐड करना है वही चीज़ दोबारा से टेबल ऑफ फिगर की तरह ओके करेंगे। यहाँ पर आपका यस करेंगे, आपको इसको यहाँ पे ये टेबल ऑफ फिगर आ जाएगा। फिर ये उसी को रिप्लेस हो गया मेरा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था, तो आप दोबारा से करें, इसको मार्क कर देते हैं, इतने भी वर्ड आपने मार्क किए हैं, ये मार्क हो गए।
मार्क करने के बाद अब आपने इंसर्ट करना है, कहाँ पे उसका इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं। मैं जाता हूँ इस बुक के एंड पे ले जाऊँ, मैं यहाँ पे लास्ट पे चले जाते हैं, हम लास्ट पे जा रहे हैं। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पे मैं ये आ गया जी इंडेक्स आपका। आप देखें इंडेक्स में आप ये क्या कॉलम, कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 3 कॉलम, 2 कॉलम, जितने भी एक लाइन एक रो में उतने अल्फाज आ जाएंगे। अब मैं कॉलम 2 करता हूँ तो यहाँ पे 2 आएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड लफ्ज़ है, ये पेज नंबर 3 पे है, थीम पेज नंबर 3 पे है। ये जितने भी वर्ड मार्क करेंगे, मार्क करके आप उनको अलग से शो कर सकते हैं। इसी तरह से मार्क साइटेशन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें और मार्क एंट्री में जस्ट इतना फ़र्क है कि मार्क एंट्री में जस्ट आपको वर्ड और उसके सामने पेज नंबर लिखा हुआ शो होगा, इसमें टेबल ऑफ फिगर या टेबल ऑफ कंटेंट की तरह बस शो होगा, और कोई फ़र्क नहीं है। इसको मार्क करते हैं, मैंने मार्क किया इसको, ये मार्क कर लिया, इसको मैं कोई और लफ्ज़ एक मार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ से ये लफ्ज़, ये मैंने यहाँ से कोई एक लफ्ज़ सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको भी मार्क साइटेशन किया, इसको भी मैंने मार्क कर लिया, सारे मार्क कर लें। फिर ये जो साइन लगा है इसको आप ख़त्म कर दें, जो आपको एंटर और स्पेस का शो कर रहा है इसको बाद में ख़त्म कर दें इकट्ठे ही। मार्क साइटेशन पे फिर से क्लिक करेंगे, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, मार्क किया, मैंने 3 अल्फाज मार्क किए हैं। अब मैं होम से जाके ये साइन ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा जाते हैं, मैं कहता हूँ इसका भी लास्ट पे ही एंड ऐड करें। यहाँ पर मैंने लास्ट पर क्लिक किया, रेफरेंस में गए हम, रेफरेंस में इंसर्ट टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और किस तरह से आप शो करेंगे इसको, तो ये फॉर्मेट है उसका, ओके करेंगे। यहाँ पे ये आपको केसेस की सूरत में आ जाएगा ये, और इसमें जस्ट इतना फ़र्क है, ये इस तरह से ये शो करेगा इसको, इस तरह से जस्ट पेज है उसके साथ ही पेज नंबर लिख के शो करेगा इसको, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह शो करेगा। ये हमारा रेफरेंस टैब था। उसके बाद मेलिंग टैब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए रेफरेंस टैब इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।